आप सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं आप सभी का भाई राष्ट्रीय मिशन गायक रवि राजबोध, गाजीपुर उत्तर प्रदेश से। और मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, एक वीडियो क्लिप, इसको ध्यान से देखिएगा। उससे पहले मैं थोड़ा सा आप सभी को बता दूं, जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में रही तो बहन जी ने सभी गरीबों को मुफ्त की जमीन देने का काम किया था। किसी जाति धर्म बिरादरी के लोगों मुफ्त की जमीन देने का काम किया था बहन जी ने, कि उस जमीन में लोग अनाज उगा करके और अपना पेट भरेंगे। आज की सरकार की तरह नहीं कि 5 किलो राशन दे के बुलवा रही है और लोगों को लग रहा है कि मेरा पेट भर रहा है। आज के भाजपा सरकार की तरह नहीं, गैस सिलेंडर 1200 रुपया करके, डीजल पेट्रोल 100 रुपया करके, और लूट के खून चूस के और 2000 रुपया खाते में डाल दे रही है महीने में। किसान खुश हैं, अरे बाप रे 2000 रुपया हमको मिल रही है, सरकार दे रही है। लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है कि सरकार क्या कर रही है, आपका धोतिया खोल के कपड़ा पे पगड़ी बांध दे रही है। और किसान भाइयों को लग रहा है कि बस बस पगड़ी बांधा है मेरे सर पे, लेकिन आपकी धोती खुल गई नीचे से, आपको पता भी नहीं है। वही हाल है, आपको चारों तरफ से महंगाई बढ़ा करके, पैसा लूट करके, और एक तरफ आपके खाते में 2000 डाल दिया जा रहा है और आपको लग रहा है कि हमारा बहुत भला हो रहा है इस सरकार में। चलिए उस बात को साइड में रखिए, बहन जी ने जिस प्रकार से लोगों को अपना पेट पालने के लिए, अनाज उगाने के लिए मुफ्त की जमीन दी, आज फिर से बसपा के इकलौते विधायक माननीय हुआ शंकर सिंह जी, जो कि बलिया के रसड़ा विधानसभा से विधायक हैं, और भाजपा की सरकार ने कहा था कि मैं मेडिकल कॉलेज तो बनाना चाहता हूं लेकिन मुझे जमीन नहीं मिल रही है बलिया के अंदर, तो उमा शंकर सिंह जी ने कहा है कि मैं अपनी फ्री की जमीन दूंगा 30 बीघा, आप आइए, आपका स्वागत है, कॉलेज बनाइए। अब देखते हैं भाजपा कौन सा बहाना करती है, अब तक तो जमीन का बहाना कर रही थी, अब देखते हैं कि भाजपा कौन सा बहाना करती है जमीन देने के लिए। बसपा के इकलौते विधायक माननीय उमा शंकर सिंह जी है और उन्होंने अपनी फ्री की जमीन देने की बात कही है। यानी कि जितने भी विधायक इस समय विधानसभा में है सब पे भारी, मात्र इकलौते अकेले बसपा के विधायक हैं, क्योंकि वाकई में बसपा गरीबों का भला चाहती है। अब भाजपा सरकार क्या करेगी, फायदा उठा ले, 30 बीघा जमीन फ्री में मिल रहा है, बना दे मेडिकल कॉलेज, स्टूडेंट्स का भला होगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ये बात पहुंचनी चाहिए सभी जनता तक, खासतौर से बलिया के लोग इसको शेयर करेंगे। बसपा के विधायक तैयार है 30 बीघा जमीन देने के लिए, आइए आप मेडिकल कॉलेज खुलवाइए। अब देखते हैं भाजपा क्या करती है, वीडियो शेयर कर दीजिए। जय भीम, जय भारत। ज्यादा लंबा हो गया, कृपया समाप्त करें। हमारे बलिया जनपद में एक जनपद के लिए, न कि रसड़ा विधानसभा के लिए, बलिया जनपद, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है कि हर जिला में एक मेडिकल कॉलेज देंगे, हम मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं बलिया में। लेकिन बलिया में मेडिकल कॉलेज देने के लिए मतलब ये 2022 से ही मेडिकल कॉलेज देने की बात आ रही है, लेकिन बलिया को, अरे भाई सुनो, अरे आप लोग ना बोले, भाई बोलते भाई, चलिए 2022 से ही मेडिकल कॉलेज देने की बात आ रही है, देखिए अधिष्ठाता महोदय, लेकिन अभी तक मेडिकल कॉलेज बलिया को नहीं मिला। लिख के आता है कि जमीन खोजी जा रही है, फिर आया सरकार से कि हम पीपल पी पे करेंगे। मैंने एक सरकार को अधिष्ठाता महोदय ऑफर भी दिया था, मैंने कहा अगर जमीन नहीं मिल रही है तो अब ये मत कहें कहां पे, हमने कहा कि रसना के बगल में, रसना के शहर में, मैंने कहा था, फिर आज बात को कह रहा हूं, हाउस में कह रहा हूं, आपकी बात आ गई अब सरकार, हमारी अपनी खुद की जमीन 30 लाख में, राजा साहब सरकार हमसे फ्री में दे रहे हैं, और मेडिकल कॉलेज खोल दे, फ्री में दे रहे हैं पूरे जिला के लिए, और पूरे जिला के लिए वो आप अपनी जमीन फ्री में दे रहे हैं, 30 बीघा है, और सरकार उसे मेडिकल कॉलेज खोले, लेकिन खोले ये रोडा न रोए कि हमारे पास जमीन नहीं मिल रही है। भाई सारे पावर है आपको, कैबिनेट से उसके मानकों को शिथिल करने का राइट है, अगर 10 किलोमीटर के दायरा में नहीं मिल रही है तो आप उसको 12 किलोमीटर में जाकर कैबिनेट से उसको शिथिलता दे सकते हैं और मेडिकल कॉलेज खोल सकते हैं।